नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से पूरी कांग्रेस को सिर के बल खड़ा कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कुछ मुद्दे उठाकर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि राज्य सरकार को इन मुद्दों पर अवश्य कार्य करना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के पुनरुत्थान और उद्धार के लिए अंतिम मौका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक करने के कुछ दिनों बाद पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में सिद्धू ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने के वास्ते 13 सूत्रीय एक एजेंडे के साथ पंजाब मॉडल की हिमायत की है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिद्धू ने 15 अक्टूबर को कहा था उनकी चिंताओं का समाधान हो गया है और पार्टी ने कहा है कि वह प्रदेश इकाई प्रमुख बने रहेंगे। सिद्धू के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद ये समाधान निकला था, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही सिद्धू ने अपने पिटारे से 13 सूत्रीय एजेंडा बाहर निकाला। इसमें परेशान चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के साथ बैठक की। इस मौके पर सिद्धू के करीबी माने जाने वाले मंत्री परगट सिंह भी मौजूद रहे थे। सिद्धू द्वारा सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र को ट्विटर पर सार्वजनिक करने के कुछ ही घंटे बाद ये बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। असल में सिद्धू की कोशिश किसी न किसी तरीके से पूरी पंजाब सरकार को अपने इशारों पर चलाने और खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करवाने की है, और यही काम कांग्रेस नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को दिए पार्टी के 18 सूत्री एजेंडे की याद दिलाई गई और इन्हें आज भी समान रूप से प्रासंगिक बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि इसे कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सिद्धू की बैठक के बाद के घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा, आज मैं आपको 2017 के 18 सूत्री चुनाव प्रचार एजेंडे के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किए जाने के लिए पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग पूर्ववर्ती सरकार के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा और फरीदकोट के बहबल कला में 2015 के पुलिस गोलीकांड की घटनाओं को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मादक पदार्थ के मुद्दे पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख ने कहा कि विशेष कार्यबल की रिपोर्ट में जिक्र किए गए बड़े तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा दी जाए। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि पंजाब सरकार को केंद्र के 3 नए कृषि कानून को अवश्य ही खारिज कर देना चाहिए और ये घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किए जाएंगे। सिद्धू ने पत्र में कहा कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौतों और हमारे द्वारा वादा किए गए सभी त्रुटिपूर्ण पीपीए को रद्द करने पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश मंत्री परिषद में दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व की भी हिमायत की। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।